तो हेलो एवरीवन, तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन जय हिंद, वेलकम टू मैनेवर एजुकेशन। तो माय नेम इज यश कुमार संपत, एंड टुडे वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम दी फर्स्ट फेब ऑफ 2022 फ्रॉम दी हिंदू न्यूज़पेपर। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, आई वांट टू डिस्कस दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एम बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टीस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट बैंक एग्जामिनेशन, बी बी ए एग्जामिनेशन, होटल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन, बी एड एग्जामिनेशन, एस एस सी एग्जामिनेशन या सी जी एल एग्जामिनेशन, तो डोंट वरी, मैनीवर एजुकेशन इज हियर। एंड इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस मैनीवर एजुकेशन, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इन द यूट्यूब। वी हैव ऑल्सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओवर हियर, सो यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम इट। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ द कोर्सेज, सो डोंट वरी, द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। गूगल फॉर्म लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, वेर यू कैन फिल द फॉर्म वेरी इजिली एज पर योर रिक्वायरमेंट। अवर काउंसलिंग टीम विल कॉन्टेक्ट यू एंड विल गाइड यू। इफ यू आर लुकिंग फॉर द ऑनलाइन एंड लाइव क्लासेस, सो जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन 8828581455। इफ यू आर लुकिंग फॉर द क्लासरूम कोचिंग एट द मुंबई, सो वी हैव अ थ्री सेंटर्स, बोरीवली, वसई एंड दी दादर। सो यू कैन विजिट आवर सेंटर ऑल्सो, एंड यू कैन विजिट अवर वेबसाइट ऑल्सो, विच इज कॉल्ड दी www.manoeuvredu.com। सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट न्यूज दैट, ओके, सो द फर्स्ट न्यूज इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आज हमारा बजट अनाउंस होने वाला है, जो आज हमारा बजट अनाउंस होगा 1 फरवरी को, उससे पहले एक चीज़ हमारे पास आती है, विच इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहली न्यूज़ देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है कि सर्वे पेजेस ग्रोथ एट 8 to 8.5% इन 2022 to 2023। तो सबसे पहली चीज़, जब भी बजट अनाउंस होता है तो उससे पहले एक इकोनॉमिक सर्वे आता है जो 2021 और 22 का रहता है। ठीक है, 2021 to 2022, जो पिछले साल का रहता है। पर अगर बजट की बात हो रही है, इकोनॉमिक बजट की बात होती है अगर, सो इट इज़ कंसिडर एज ए 2022 to 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो बजट अनाउंस होगा वो 2022 से 2023 का रहेगा। सो यहां पर हमारे जो निर्मला सीतारमन जी है, ये ही बजट अनाउंस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। सो इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ बाय 92.5% दिस ईयर एंड 8% एंड 8.5% इन 2022 to 2023 थ्रू हार्डनिंग इन्फ्लेशन एंड एनर्जी प्राइसेस अलॉन्ग विद टाइटनिंग ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी पोज अ चैलेंज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2021 to 2022 टेबल्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन पार्लियामेंट ऑन मंडे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि भाई जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या कहता है कि भाई हमारी जो 2021-22 की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो एक्चुअली क्या थी। तो यहां पर हमारे पास दो तीन तरीके से आपको समझाया गया है कि भाई प्रिडिक्टेड ग्रोथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियाज रियल जीडीपी, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे जब भी अनाउंस होता है तो हमें उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच इज़ कॉल्ड दी जीडीपी, वो एक्चुअली कहाँ पर है और वो आगे हमें कहाँ पर ग्रो करनी चाहिए, तो उसके सारे के सारे जो पहलू है, उसके जो सारे के सारे एस्पेक्ट है, वो हमें इकोनॉमिक सर्वे से पता चलते हैं कि भाई हमारे जो पिछले साल में हमारी जो जीडीपी थी वो कहां पर हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, कौन सा सेक्टर में हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। सो इंडियाज रियल जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 9.2% इन FY2022। ठीक है, कंपेयर्ड विद द 6.6% कॉन्ट्रैक्शन इन FY2021 ड्यू टू द नेशनल लॉकडाउन इन इंड्यूस्ड बाय COVID-19। जब भी COVID-19 का सिनारियो था तभी हमारी जो ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ थी वो पहले हम ऐसा कह सकते हैं कि 8 to 8.5% एस्टिमेट हो सकती है यहाँ पर 2022-23 के दौरान। पर यहाँ पर जो हमारी जीडीपी थी उस दौरान में, यहाँ पर जीडीपी में कमी आई थी 2021 के दौरान। ठीक है, सो अबाउट दी 9.2% इन ग्रो भी करी थी इन द 2022 के अंदर। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो सर्वे है वो क्या कहता है कि भाई
ग्रोथ के बारे में हमें बताता है कि जो जीडीपी थी वो पहले लॉकडाउन के दौरान हमारी जीडीपी डिक्रीज हुई थी, जो जॉब नहीं मिल रही थी किसी को लॉकडाउन के दौरान, तो बाद में वो जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती हुई नज़र आ सकती है 99.2% के हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों बात करी गई है कि इन्फ्लेशन के बारे में, परसिस्टेंस इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो महंगाई है दोस्तों वो WPI and the CPI। ठीक है, यहां पर जो WI है होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, और CPI यानी कि जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर से यहां पर हमने कहा है कि भाई जो CPI है, ठीक है, CPI का जो रेट है दिसंबर 2021 के दौरान, वहां पर भी 5.6% की बढ़ोतरी हमको मिली है, ठीक है, CPI के अंदर। पर यहां पर अगर आप 2020 की अगर बात करें, जो लॉकडाउन का सिनेरियो था, तभी वहां पर हमारा जो होलसेल इन्फ्लेशन है उसमें भी यहाँ पर 10% पहले गिरा था और बाद में 10% से भी ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% से भी यहाँ पर हमको WPI ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन के रेशियो में भी थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ को मिली है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि ये जो सारे के सारे इन्फ्लेशन का रेशियो है, या तो हमेशा का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें तो हमें डिफरेंसेस देखने को मिला, पर साथ ही साथ यहाँ पर हमें फ्यूल प्राइस में भी इंक्रीज जो उसके जो चार्जेस है इंक्रीज होने की बात पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जनवरी 2020 का सिनारियो और जनवरी 2021 और जनवरी 2022, ठीक है, ये तीनों जनवरी, अगर तीनों साल का अगर हम लोग फर्स्ट ईयर ले ले फर्स्ट मंथ ले लेते हैं जनवरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई लोग लॉकडाउन के दौरान जो क्रूड प्राइस थी वो डिक्रीज हो गई थी। बाद में जैसे ही लॉकडाउन खुला तो साथ ही साथ हमारी जो क्रूड प्राइस है वो इंक्रीज होने लगी, और आगे भी जाकर हमारे जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो उसमें भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज मूविंग क्लोजर टू दी $90 पर बैरल मार्क, तो यहाँ पर भी जो $90 है वो भी क्रॉस कर चुका है। गिवन द हाइस्ट एक्साइज ड्यूटी द रिटेल प्राइस ऑफ फ्यूल इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर आफ्टर द असेंबली पोल्स। तो यहाँ पर यही एक बात है कि इकोनॉमिक बजट भी इसके ऊपर अफेक्ट करता है। जो 2022 का भी जनवरी मंथ चल रहा है वहाँ पर भी आपको पेट्रोल डीजल के भाव में भी यानी कि उसके चार्जेस में भी आपको उछाल मिलेगा, यानी कि इंक्रीज होकर ही आपको मिलेंगे। तो आज के दौरान ये जो पूरा का पूरा आज का न्यूज़पेपर है वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ही है, और कहीं कहीं आपको दो तीन न्यूज़ें अलग से देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इकोनॉमिक सर्वे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो पुराने हमारा जो रिपोर्ट दर्ज होता है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो है कि भाई 2021 यानी कि 2021 के दौरान एंड 2022 के दौरान, यहाँ पर हमारी जो जीडीपी थी वो कितने प्रतिशत थी, हमारी इकोनॉमी का लेवल क्या था। ठीक है, वो दैट इज कॉल्ड दी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022 जिसको बोला जाता है, जो जो बजट आने से पहले आता है। ठीक है, उसके बाद जो बजट आता है वो बजट नए साल के लिए आता है दोस्तों, 2000 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 से 2023 का यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी बजट अभी अनाउंस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे जो है वो, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, और पहले कहा जाता था कि बजट से पहले यानी कि एक दिन पहले इसको अनाउंस किया जाता है, पर अभी का जो सिनेरियो है तो सबसे पहले वो इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके बाद इकोनॉमिक बजट आता है। तो यहाँ पर आप याद रखें, एंड इट नेक्स्ट ईयर इज़ प्रेजेंटेड इन दी इंडियन पार्लियामेंट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अभी यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है वो एक्चुअली क्या कहता है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रिपेयर दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है हमारे भारत देश के, उसके द्वारा ये इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, पर इस साल कुछ डिफरेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखें कि भाई ये जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की गैरहाजिरी थी, एबसेंस थी, तो उसकी एबसेंस को फुलफिल करने के लिए इट वॉज ड्राफ्टेड बाय द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एंड अदर ऑफिशियल्स के द्वारा इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किया गया है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर आप याद रखें कि जो कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम्स है उसका जो टर्नओवर है वो दिसंबर 2021 में ख़त्म हो चुका
है। पर दूसरी चीज ये जो है कि द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत देश के कौन है, तो यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के तौर पर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। सो प्लीज नोट इट डाउन दिस नेम, डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन। ठीक है, तो डॉक्टर वी अनंथना नागेश्वरन उसका नाम है। और दोस्तों यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक सर्वे या बजट आता है तो एक बुक सामने आती है और यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी उसको बजट के तौर पर अनाउंस करती है करते हैं। ठीक है, थीके? तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। पर साथ ही साथ दूसरी चीज़ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो उसकी थीम है वो भी कभी कभार एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती है। तो सेंट्रल थीम, ठीक है, ये जो सेंट्रल थीम है वो कौन किसके ऊपर थी, अगेली अप्रोचेस के ऊपर थी। जो COVID-19 का सिनेरियो था वो 2020 के दौरान था। तो जब भी इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट ऑफ 2020 आया था तभी जो थीम थी वो COVID-19 के रिगार्डिंग थी। ठीक है, पर अभी का जो थीम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 और 21 की जो थीम थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहिबा है यहाँ पर भी, नर्स साहिबा है। ठीक है, तो पूरा COVID-19 का जो थीम था, पूरा COVID-19 का जो सिनारियो था उसके बेसिस के ऊपर से इकोनॉमिक सर्वे की थीम बनाई गई थी 2020 और 21 के दौरान। पर अभी जो 2021 और 22 है उसका जो इकोनॉमिक सर्वे आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 2021 और 2022 का, जिसके अंदर यहाँ पर पूरा भारत का मैप दिया गया है। ठीक है, के अंदर पूरा यहाँ हमारे भारत देश का मैप दिया गया है। और उसके साथ ही साथ इस भारत के मैप के अंदर यहाँ पर दो तीन चीज़ों के बारे में बात करी गई, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, बड़े स्पेस सेक्टर में हम लोग कैसे आगे बढ़े, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे हम लोग आगे बढ़े, और साथ ही साथ हम लोग हेल्थ सेक्टर में हमारा क्या क्या ग्रोथ है उसके बारे में की जो थीम थी वो 2021 और 22 की इकोनॉमिक सर्वे की थीम थी। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जो इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसको हम लोग महंगाई कहते हैं तो वो किसके द्वारा डिनोट की जाती है, WPI, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड दी WPI, ठीक, WPI इज कॉल्ड दी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जिसको हम लोग WPI कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, विच इज कॉल्ड दी CPI। तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दी WPI विच इज कॉल्ड दी होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इट इज अ मेजर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड एंड ट्रेड इन द बल्क बाई दी होलसेलर। ठीक है, जब भी होलसेलर के द्वारा कुछ कुछ प्रोडक्ट है वो या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो गुड्स है ये वो उसको सोल्ड किया जाए, पर बल्क ज़्यादा मात्रा में सोल्ड किया जाए, तो उसके हिसाब से जो मेजरमेंट किया जाता है ठीक है बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड द WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। और CPI यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इफ आई परचेज सम काइंड समथिंग, ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ परचेस करता हूँ डायरेक्टली दुकान के अंदर जाकर, सो आई एम द कंज्यूमर। ठीक है, आई एम द कंज्यूमर। पर मैं कुछ बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें परचेस करता हूँ और बाद में उसको बल्क में सेल करता हूँ तो दैट इज ए होलसेल मार्केट। ठीक है, सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी कुछ मेजरमेंट के हिसाब से अगर प्राइस चेंजेस होते हैं एज पर द परस्पेक्टिव ऑफ द रिटेलर बायर, ठीक है, तो वहां पर भी एक इन्फ्लेशन का पॉइंट आपको नजर में आता है। ठीक है, और ये जो CPI है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस विच इज कॉल्ड दी NSO। ठीक है, NSO के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। तो ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज आती है यहां पर आपको समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आज न्यूज़पेपर है उसमें सबसे पहली हेडलाइन बजट के बारे में है और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में है। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के तौर पर आपको पूछा जा सकता है कि भाई कितना ग्रोथ है 2022 टू 2023 के दौरान। यहाँ पर प्रिडिक्शन जो रेट है वो है 8 to 8.5%। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं। लेट अस डिस्कस दी नेक्स्ट न्यूज़। ये जो सारी की सारी न्यूज़ है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। डायरेक्टली हम मूव करते हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। ओके, तो वेट वेट वेट। हाँ, तो
यहाँ पर एक एडिटोरियल सेक्शन है पेज नंबर 6 के ऊपर, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लिखा है कि द माइंड एंड द स्टेट ऑफ रशियाज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल आपको नॉलेज देगा और साथ ही साथ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप याद रख सकते हैं कि भाई रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, ऑलवेज रशिया की एक स्ट्रेटेजी रही है कि उसको अपना वर्चस्व आगे बढ़ाना है। ठीक है, वो अगर आप यूएसएसआर देखें, अगर आप यहाँ पर मैप में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये है रशिया। ठीक है, ये रशिया का पूरा मैप है दोस्तों। ठीक है, तो जब भी ये रशिया जो था, रशिया से पहले उसको कहा जाता था USSR। रशिया को सबसे पहले यूएसएसआर कहा जाता था। तो बहुत सारे जो यहाँ के कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ के जो पूरा का पूरा रीजन है, के आसपास का जो रीजन है, वो पूरा यूएसएसआर के अंदर आता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रशिया की पहले से ही इतिहास के अंदर भी, हिस्ट्री के अंदर भी एक यही स्ट्रेटेजी रही है कि वो अपना जो एरिया है वो बढ़ाता जाए। ठीक है, बाद में जो ट्रीटीज़ हुई, बाद में डिस्प्यूट्स हुए, उसके बाद बहुत सारे देश उससे अलग होने लगे, बहुत सारे जो रीजन है उससे अलग होने लगे, उसके बाद रशिया बना। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि रशिया के बाजू में यूक्रेन है। ठीक है, तो यूक्रेन और रशिया का डिस्प्यूट चलता ही रहता है। तो यहाँ पर इस ऑडिटोरियल में यही कहा गया है कि जो रशिया है उसके जो प्रेसिडेंट है उसका भी यही माइंडसेट है कि भाई वो अपना एरिया या इलाका बढ़ा सके। ठीक है, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज़ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी गई है, यहाँ पर सुप्रीम फेल्योर के बारे में भी बात कही गई है। सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सर्वे इग्नोर्स पो, ओके, जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करी और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर की भी बात करी। पर यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा है कि भाई सर्वे जो है वो इग्नोर करता है गरीबी को और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, यहाँ पर जो जॉब देने की बात हो रही है उसको भी और साथ ही साथ गरीबी को वो इग्नोर करता है, ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पर आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि दो तीन दिन से ही, मतलब दो तीन दिन अगर जब भी इकोनॉमिक बजट आ जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे आ गया, अभी बजट आज आ जाएगा, उसके बाद दो तीन न्यूज़पेपर के अंदर भी और दो तीन दिनों के अंदर भी ऐसे ही डिस्प्यूट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे और बजट का प्लस पॉइंट भी आपको यहाँ पर पेपर में देखने को मिलेगा और उसका साथ ही साथ दोस्तों नेगेटिव पॉइंट भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर आप याद रखें सिर्फ और सिर्फ कि ऐसा ऐसा चीज़ें हैं। इन प्लेन लैंग्वेज इट मीन्स दैट ऑन 31st March 2022 द जीडीपी विल बी एट द सेम लेवल्स एज इट वॉज ऑन द 31st। हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मार्च का महीना आएगा तब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखें, तो इसी ये यहाँ पर कहा गया है। और साथ ही साथ इट मीन्स दैट इट हैज़ टू टेकन टू ईयर्स टू गो बैक टू वेयर वी वेर द टू ईयर्स हैव इम्प्रोवाइज्ड पीपल, मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट, 84% हाउस होल्ड्स हैव सफर्ड लूज ऑफ इनकम, 4.6 करोड़ हैव बीन पोस्ट इन टू पॉवर्टी। ठीक है, तो गरीबी के बारे में पी चिदम्बरम साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो इकोनॉमिक सर्वे के आप पॉजिटिव पॉइंट भी देख सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी देख सकते हैं आगे जाकर। ठीक है, कल ही शायद आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट न्यूज। ओके, तो यहाँ पर आप रशिया का समझ गए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों जो आती है पेगासस, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेगासस स्पाई, कि अगर कोई हमारी एप्लीकेशन के अंदर, फ़ोन के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे जो आपको पता भी ना चले और आपकी सारे के सारे पर्सनल जो चैट्स हैं, मैसेजेस है या आपके माइक्रोफोन्स है, उसको एक्टिवेट कर सके, आपका लोकेशन एक्टिवेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसके बारे में ही बात हो रही है। आज सारे के सारे न्यूज़पेपर में बजट और इकोनॉमिक सर्वे की ही बात होगी, तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखे। मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट भी है, जो पेज नंबर 10 के ऊपर जो है इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, ये पूरा का पूरा पेज इसी के नाम पर से बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिमांड फॉर MGNREG
जीए, ठीक है, एमजी नरेगा विच इज कॉल्ड द वर्क्स ऑफ फंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्कर और लेबर के लिए ये एक स्कीम एक्चुअली बनाई गई थी, ठीक है, 2006 में, ये पास हुई थी 2005 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, चलिए उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो डिमांड फॉर वर्क अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये उसका एब्रीविएशंस है और ये उसका फुल फॉर्म है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम, ठीक है। इसके तहत क्या कहा गया था कि जब भी लॉकडाउन का सिनेरियो था तभी वर्कर्स को 100 दिन तक की उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, ठीक है। तो ये उसका स्कीम का यही मुख्य उद्देश्य था कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इस स्कीम के तहत आइए, आपको एम्प्लॉयमेंट आराम से मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर आपको रजिस्टर करने के बाद, 15 दिन के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब आराम से मिल सकती है इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि 100 दिनों की उसको जॉब प्रोवाइड करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपका यहाँ आपको एक नोटिफाई करवाता हूँ कि जन 9 2019, उसके बाद जून 2019, नवंबर 2019, यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल 2020, जो फर्स्ट लॉकडाउन का पीरियड है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो लाइन जो आपकी यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है वो एक्चुअली है क्या, MGNREGA वर्क डिमांड, ठीक है। और ये जो है वर्क क्रिएटेड की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, तो कि पहले की जो वर्क की डिमांड थी वो बड़ी थी, बड़ी थी, जैसे ही लॉकडाउन आया वो डिमांड जो थी वर्क की, यानी कि जॉब घटने लगी फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान, और जॉब भी घटने लगी साथ ही साथ वर्क क्रिएशन भी घटने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की बात आप कर सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन धीरे धीरे खुला तो ड्रास्टिकली जॉब की डिमांड बढ़ने लगी, तो जॉब की डिमांड बढ़ने लगी तो जॉब क्रिएशन भी होने लगी, वर्क क्रिएशन होने लगा। जैसे ही सेकेंड वेव की बात होने लगी, फिर से यहां पर जॉब की डिमांड घटती हुई नजर आती है, ठीक है। तो पहले से आप देख सकते हैं कि पहले से जो जॉब की डिमांड घटी थी वो सेकंड वेव के दौरान थोड़ी सी कम घटी थी, पर घटी थी जरूर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 की अगर मैं बात करें, इसी महीने की अगर मैं बात करूं, तो फिर सेकंड वेव के बाद भी जॉब की डिमांड थोड़ी सी ये देख घट मतलब डिक्रीज होने को आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो जॉब का डिक्रीज इन रेशियो है, वर्क डिमांड का जो रेशियो है और उसका जो वर्क क्रिएशन का रेशियो है, वो दोनों 2021 दिसंबर महीने में घटता हुआ नजर आता है। सो डिमांड फॉर वर्क अंडर द MNREGA हैज डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स रिकॉर्डेड आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन बट इज स्टिल हायर देन द प्री कोविड लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी प्री कोविड लेवल्स का ये सिनेरियो था, तो यहाँ पर उसके हिसाब से ये जो जॉब का रेशियो है यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है एज कम्पेयर टू दी प्री कोविड लेवल्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। अभी ये जो दोस्तों स्कीम क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो MGNREG है उसको कहा जाता है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये जो स्कीम है 2021 और 22 की स्कीम है, और ये जो पास की गई थी 2005 के दौरान पास की गई थी, और 2006 में उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को उसको लॉन्च किया गया था। और दूसरी चीज, यहां पर उसको एलोकेटेड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि 72,000 करोड़ को उसको एलोकेट किया गया था, और उसके तहत वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसी बात कही गई थी, ठीक है। तो इस स्कीम को हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, और इसका यही एक मुख्य उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव्स थे कि प्रोवाइड 100 डेज ऑफ गारंटेड वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड लेबर। रूरल यानी कि जो गांव के एरिया है, दैट इज कॉल्ड द रूरल, और जो सिटी का जिसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज आती है विच इज कॉल्ड द अर्बन एरिया, ठीक है। तो गांव के जो अनस्किल्ड लेबर है उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, 100 दिनों का हम वेज प्रोवाइड कर सके, तो ये स्कीम उसके तहत काम करती है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द अनस्किल्ड लेबर एंड इट इज ऑल्सो डिक्रीज माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अब ये समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति है उसको अगर भरण पोषण करना है, यानी कि अपना गुजारा करना है, तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर रूरल एरिया में अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो उसको माइग्रेट होना पड़ता है, यानी कि उसको अर्बन एरिया में ट्रांसफर होना पड़ता है, ठीक है। यानी कि गांव से सिटी पर आना पड़ता ही है फॉर द सम काइंड ऑफ द जॉब और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है।
अगर सपोज ऐसा हम लोग मान लें कि भाई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो रूरल एरिया में ही उसको मिले, तो उसको माइग्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखिए कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अगर एम्प्लॉयमेंट के जो रिसोर्सेज है रूरल एरिया में, गाँव में ही उसको पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, तो उसको माइग्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है, इट डिक्रीजेज द माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। पर थोड़े टाइम पहले ये स्कीम बंद हो चुकी थी, क्यों? क्योंकि फंडिंग की थोड़ी कमी थी। तो ये चीज यहां पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है? सो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट न्यूज, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज जो आती है वो आती है, ओके तो यहाँ पर आप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एडवोकेट्स फॉर रूरल वर्कर्स आर्ग्यूड दैट द ड्रॉप इन डिमांड इज ऑल्सो ड्यू टू फंडिंग कंस्ट्रेंट्स एंड अर्ज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अलोकेशंस फॉर स्कीम इन थर्सडेज यूनियन बजट, ठीक है? तो यहाँ पर जो बजट में थोड़ी कमी आई उसकी वजह से ये स्कीम थोड़ी रुक चुकी थी, ठीक है? अभी बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंटेनर, एक न्यूज़ आती है जो आप सिर्फ जान सकते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंटेनर शॉर्टेज इन्फ्लेट्स शिपिंग बिल्स, ठीक है? अभी कंटेनर की अगर शॉर्टेज हुई तो शिपिंग बिल में बढ़ोतरी हुई, ठीक है? यहाँ पर COVID-19 के दौरान भी कंटेनर की जो मात्रा थी, कंटेनर की जो क्वान्टिटी, उसमें गिरावट आई थी, डिक्रीज होने लगे थे। यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर करना है तो उसके अंदर अगर मुझे कोई भी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो मैं जो चीज भेजूंगा दूसरे कंट्री के अंदर तो कंटेनर के जरिए से ही भेजूंगा। मैं सारा का सारा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सारी की सारी प्रोडक्ट है उसको मैं कंटेनर में फिट करूंगा और वो पूरा का पूरा कंटेनर बाईपास होगा या दूसरे कंट्री के अंदर, ठीक है? पर यहां पर कंटेनर ही नहीं है, ठीक है? कंटेनर की कमी आई, कंटेनर की कमी आई, सो डिमांड बढ़ी पर सप्लाई घटी, तो बिल इंक्रीज होने लगे, शिपिंग बिल्स इंक्रीज होने लगे। तो यहां पर उसी के बारे में बात हो रही है जो कि COVID-19 के दौरान ये सारा का सारा फैक्टर्स हो चुका था, ठीक है? शॉर्टेज ऑफ शिपिंग कंटेनर्स इज, यहां पर आप देख सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ शिपिंग कंटेनर्स इज लाइकली टू बी अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम एंड हैज लीड टू इंडिया स्पेंडिंग $40.8 बिलियन ऑन इंपोर्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में कितना पैसा हमको स्पेंड करना पड़ा, और साथ ही साथ विच वो 65% मोर देन द प्रीवियस ईयर, जो 2020 और 21 का साल था उससे अगर बात करें 2021-22 का साल, उसमें हम लोगों ने 65% ज़्यादा पे किया है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिए। और ये कौन कहता है? इकोनॉमिक सर्वे हमें ये सारी की सारी जानकारी देता है, ठीक है? तो ये चीज़ एक याद रख सकते हैं कि भाई COVID-19 की वजह से ना तो हर एक फील्ड को, हेल्थ सेक्टर को तो अफेक्ट हुआ ही है, पर साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी यहां पर अफेक्ट हुआ है, ठीक है? लेट अस मूव ऑन दी नेक्स्ट न्यूज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दी करंट अफेयर्स, ओके। तो ओके यहां पर एक न्यूज इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडियाज रैंक थर्ड ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया गेन सर्वे ऐसा कहता है, ठीक है? अभी 2020 की अगर बात करें, 2020 में जो हमारे भारत के अंदर जंगल थे तो उसमें भी 24% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई भारत के अंदर 24% फॉरेस्ट इंक्रीज हुए 2020 के हिसाब से, बराबर? पर सभी ये जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसके हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि भाई भारत देश का तीसरे नंबर पर स्थान है फॉरेस्ट एरिया बढ़ोतरी में, ठीक है? फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने में भारत तीसरे नंबर के ऊपर आता है, ठीक है? सबसे पहले आर्टिकल समझ लेते हैं। इंडिया हैज इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट एरिया इन द पास्ट डिकेड एंड रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन एवरेज एनुअली नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम 2010 टू 2020, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिए। और ये जो पूरा का पूरा जो रिपोर्ट हमें प्रदान करता है, यानी कि जो पूरा का पूरा जो रिपोर्ट हमें कोई चीज़ देता है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एरियाज, ठीक है? विच इज़ कॉल्ड दी DEA, ठीक है? उन्होंने यही कहा है कि इन द एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इंडिया एनुअली एडेड एन एवरेज ऑन एन एवरेज 266,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया ओवर द पीरियड, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक इंडिया की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है जो बायनुअल है, ठीक है? द लेटेस्ट बायनुअल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हैज ऑल्सो इलेक्टेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हु हैव क्वेश्चन एंड मेथडोलॉजी यूज्ड फॉर काउंट फॉरेस्ट, ठीक है? तो ये चीज याद रखिए, जिसके अंदर ब्राजील,
59% से सबसे पहले आता है, और उसके बाद पेरू जो कि है 57% है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो विच इज कॉल्ड द 56%। तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जो एक जियोग्राफिकल लोकेशन के तौर पर यहाँ पर फॉरेस्ट का आपको आकलन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो भारत देश का जो है फॉरेस्ट के मामले में तीसरे स्थान पर उसका नंबर है, ये चीज़ यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ याद रख सकते हैं, ठीक है। लेट अस मूव फॉर दी नेक्स्ट न्यूज, ठीक है। ओके, तो यहां पर न्यूज आती है कि तालिबान किल्ड 100 अफगान गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अदर्स। तो भारत देश सॉरी यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यहां पर यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन ने ऐसा कहा है कि तालिबान ने जो है अफगान गवर्नमेंट के जो एक्स ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उसको मारा है, पर तालिबान ने उसको नकारा है कि भाई हमने ऐसा कोई कामकाज नहीं किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पर बताइए इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो यूके पार्टी गेट इंक्वायरी रिपोर्ट स्लैम्स फेलियर्स ऑफ लीडरशिप। सो प्लीज़ राइट इट डाउन, व्हाट इज द मैटर रिगार्डिंग द पार्टी गेट, प्लीज़ राइट इट डाउन इन दी कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। हाँ सारे लोगों हेलो हेलो, ओके हेलो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो दैट इज़ अ कंट्री ओवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर एक भारत पूरे विश्व के अंदर एक कंट्री है विच इज़ कॉल्ड द बुर्किना फासो। सो बुर्किना फासो सस्पेंडेड फ्रॉम द एयू फॉलोइंग कॉप। तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि बुर्किना फासो जो है उसको एयू यानी कि अफ्रीकन यूनियन से बर्खास्त किया गया है, सस्पेंड किया गया है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ कि ये जो पूरा का पूरा एक मामला है वो थोड़ा आप समझ सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के द्वारा सस्पेंड किया गया है। सो बुर्किना फासो अ वीक आफ्टर द वायलेंट कंट्री सफर्ड इट्स लेटेस्ट कॉप एज एनवॉयज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका एंड द यूनियन यूनाइटेड नेशंस हैड फॉर टॉक्स विद द न्यू झुंडा, ठीक है। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी नहीं थी बुर्किना फासो के अंदर, उसको डेमोक्रेसी अगर नहीं लाते हैं, ठीक है, थीके? तो वहाँ पर उसको उसी की वजह से बर्खास्त किया गया है अफ्रीकन यूनियन से। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन के अंदर, अफ्रीकन यूनियन के अंदर 15 मेंबर के जो पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल है वो बैठते हैं, और उन्होंने ये चीज़ कही है, ठीक है। लेट अस डिस्कस दी बुर्किनो फासो, ठीक है। ये बुर्किनो फासो एक्चुअली है किधर, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर मैप के अंदर, ये है हमारा दोस्तों प्यारा सा भारत, ठीक है, ये है हमारा भारत देश। तो भारत देश की अगर मैं बात करूँ तो उसके अगर मैं वेस्ट साइड में जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक कंट्री दिखाई देता है विच इज़ कॉल्ड दी बुर्किना फासो। बुर्किना फासो का अगर मैं थोड़ा सा बड़ा मैप लेके यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माली का नेबर कंट्री है, यहाँ पर घाना का नेबर कंट्री है। तो ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द बुर्किना फासो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई भारत देश के वेस्ट पोर्शन में बुर्किना फासो आया हुआ है। लेट अस डिस्कस द वन बाय वन द कैपिटल ऑफ द बुर्किना फासो, ठीक है। सो बुर्किना फासो का जो कैपिटल है वो ये है ओगा डोगा ग्यू, ठीक है, उसको प्रोनाउंस किया जाता है। उसकी जो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रांस है, और उसका जो कंटिनेंट एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन से कंटिनेंट में है, अफ्रीकन कंटिनेंट में है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा रीजन है वो अफ्रीकन कंटिनेंट में आता है। अभी यहाँ पर न्यूज़ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाँ इकोवाज, ठीक, ये जो आप देख सकते हैं कि एन इकोवाज ऑफिशियल्स मीटिंग विथ द न्यू झुंटा लीडर और बुर्किना फासो ऑन सैटरडे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इकोवाज क्या है एक्चुअली। तो इकोवाज इज नथिंग बट द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ठीक है, एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है वेस्ट अफ्रीकन स्टेट की विच इज कॉल्ड द इकोवाज, इज अ रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 15 कंट्रीज, कितने 15 कंट्रीज की एक यूनियन कंट्री बनाई गई है विच इज कॉल्ड द इकोवाज, ठीक है, जो लोकेटेड है वेस्ट अफ्रीका के ऊपर, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का जो रीजन है वहां पर वो लोकेटेड है। साथ ही साथ उसका जो हेडक्वार्टर है वो है वह नाइजीरिया के अंदर, उसके जो प्रेसिडेंट है कादरी है, और फाउंडर जो है ये जो इकोवाज है दोस्तों, ये जो इकोवाज है उसका जो भी फाउंडेशन हुआ तो एक ट्रीटी हुई थी, उसका थोड़ा आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ट्रीटी ऑफ लागोस हुई थी, ठीक है, उसी की वजह से, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लागोस की वजह से ही इस इकोवाज ऑर्गेनाइजेशन का
अस्तित्व हुआ है, उसका एग्जिस्टेंस हुआ है, ठीक है। तो नाइजीरिया के अंदर, लागोस के अंदर उसका फाउंडेशन हुआ था 28 मई 1975 के दौरान। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ट्रीटी ऑफ लागोस एंड व्हाट इज एक्चुअल द मीनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ लागोस। एक्चुअली ये ट्रीटी ऑफ लागोस है क्या, ये आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आई होप आप लोग मुझे आंसर करेंगे। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाजू में ही एक नेक्स्ट न्यूज़ है विच इज़ कॉल्ड द इंडिया कॉल्स फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी। इंडिया कॉल्स फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी ऑन यूक्रेन। अभी आप लोगों को पता ही है कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट है। रशिया ने अपनी आर्मी तैनात कर रखी है यूक्रेन की बॉर्डर और रशियन की बॉर्डर के पास, ठीक है। लाखों की सेना वहां पर तैनात है रशियन की, ठीक है। पर यहां पर इंडिया ने एक हेल्प के तौर पर काम किया है और उन्होंने कहा कि आप शांति से बैठकर बातचीत करें और अपना डिस्प्यूट सुलझा लें, ठीक है। तो यहां पर यही एक चीज़ कही गई है कि इंडिया कॉल फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी, ठीक है। शांति से बैठो और कामकाज करो और बातचीत करो, ठीक है। तो ये चीज कही गई है, क्वाइट डिप्लोमेसी एंड द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द रशिया यूक्रेन टेंशन स्पीकिंग एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच इज कॉल्ड द UNSC मीटिंग ऑन यूक्रेन। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो कॉल्ड फॉर द इमीडिएट डिसएस्केलेशन विच इज कॉल्ड द डिसएस्केलेशन। ये तो ये आप वर्ड याद रख सकते हैं, इमीडिएट डिसएस्केलेशन, ठीक है। शांति से आप लोग बातचीत करो डिप्लोमेसी से और अपना डिस्प्यूट सुलझा लो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करी गई है। और दूसरी चीज, इंडिया का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंडियाज इंटरेस्ट इज इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन दैट कैन प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिसएस्केलेशन of tensions taking into account the legitimate security interests for all countries and amid towards the securing long-term peace, Mr. Tirumurthy said, ठीक है। तो यहाँ पर जो तिरुमूर्ति है, जो हमारे भारत देश के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने यही कहा है कि भाई भारत देश के साथ साथ और विश्व के अंदर अगर आप लोगों को शांति बनाए रखनी है तो अपना जो डिस्प्यूट है अच्छी तरीके से सुलझा ले और आराम से पीसफुली सुलझा ले, ठीक है। सो इंडिया ऑल्सो कॉल्ड फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज बोथ द वेस्ट लेड by the US and the Russia have been talking to the publicly and quiet and constructive diplomacy is the need for the hour. Any steps that increase tension may best be avoided by all sides in the large interest of securing international peace and security by Mr. Trimurti said. तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी कि रशिया और यूक्रेन को अभी शांति से ही बात करनी होगी, एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट सुलझाना होगा। Let us move for the next news. जनवरी सीज सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन एट रुपीज़ 1.38 लाख करोड़। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो जनवरी का ये पहला महीना है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है विच इज़ कॉल्ड दी 1.38 लाख करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ याद रख सकते हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालें कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म या व्हाट इज स्टैंड्स फॉर द जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में डालना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। लेट अस मूव फॉर द फर्दर न्यूज। ओके, यहां पर दोस्तों एक न्यूज आती है विच इज कॉल्ड द एडॉप्ट यूएनसीट्रल, ठीक है, विच इज कॉल्ड द यूएनसीट्रल। तो आइए देखते हैं क्या है यूएनसीट्रल। हाँ, तो एडॉप्ट यूएनसीट्रल फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर यानी कि भारत देश के अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत देश के अंदर करता हूं, मतलब भारत देश के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूं, मेरा जो प्रोडक्ट है वो दूसरी जगह कंट्री में जाता है, पर वहां पर अगर कोई कंपनी दिवालिया हो चुकी है तो यहां पर मैं क्या करूं, ठीक है। तो उसके लिए एक मॉडल लॉ लाया जाता है विच इज कॉल्ड द यूएनसीट्रल, ठीक है। तो ये चीज़ यहां पर आप याद रख सकते हैं अगर भारत के अंदर अगर कोई दिवाला हुआ, मुझे उससे कुछ पैसे लेने हैं, तो विच इज कॉल्ड दी IBC बैंकरप्सी कोड, विच इज कॉल्ड दी IBC, तो वो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। पर अगर मेरा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो दूसरी कंट्री के साथ है, वहाँ की कोई दूसरी कंपनी के साथ है, तो मुझे सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ द लॉ विच इज कॉल्ड दी मॉडल लॉ एंड इट इज़ अडॉप्टेड यूएनसीट्रल लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है और यही इकोनॉमिक सर्वे कहता है। सो द इकोनॉमिक सर्वे
2021 to 2022 has called for standardized framework for cross-border insolvency as the insolvency and bankruptcy code at present does not have an instrument to the restructure firms involving cross-border jurisdictions. ठीक है, तो cross-border की बात में अगर मुझे security कौन provide करेगा, कौन सा law है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है UN CITRAL. So let us discuss the one by one. What is the meaning of the UN CITRAL? आप समझ ही गए होंगे. पर UN CITRAL it stands for the United Nations Commission on International Trade Law. That is called the UN CITRAL. It stands for the UN CITRAL. ठीक है. So the United Nations Commission on International Trade Law. ये चीज यहाँ पर आप ये लोग याद रखें. It is a subsidiary body of the United Nations General Assembly responsible for helping to facilitate international trade and investment. यहाँ पर आप फोटो देखते ही समझ सकते हैं कि अगर आप एक देश के साथ या एक देश दूसरे देश के साथ अगर ट्रेडिंग करता है तो वहाँ पर UN CITRAL के बारे में बात कही जाती है. ठीक है, ये चीज यहाँ पर आप याद रख सकते हैं. उसका जो फाउंडेशन हुआ था दोस्तों 1966 के दौरान हुआ था, और उसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो है वियना. ठीक है, उसका जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है. ठीक है, और उसके जो हेड और डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं वो है अन्ना जुबेन ब्रीट. ठीक है, तो इट इज एब्रिविएशन विच इज कॉल्ड दी UNCITRAL, द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. लेट अस मूव ऑन दी नेक्स्ट न्यूज. और ये जो कमेटी है, ठीक है, उस कमेटी को कहा जाता है इंसॉल्वेंसी कमेटी, लॉ कमेटी. ठीक है, उसने ही रिपोर्ट जारी करी है, ये चीज यहाँ पर आप याद रख सकते. Let us move on the next news. It is called the exam point of view, which is very important. Central has adopted the MSP. ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है what is the meaning of the MSP. Central has adopted the MSP, but states must facilitate crop shift. आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी, जब भी आप लोगों ने NCERT पढ़ी होगी या आप लोगों ने 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो सीजन के हिसाब से उसको एग्रीकल्चर या क्रॉप बिल्डिंग करना पड़ता है. ठीक है, अगर मैंने आज सपोज गेहूं की खेती की, वीट की खेती की है, ठीक है, तो दूसरी बार मुझे वीट की खेती नहीं करनी चाहिए. ठीक है, हमें क्रॉप शिफ्ट करना चाहिए. सपोज मैंने आज गेहूं की खेती की है तो मुझे नेक्स्ट टाइम बाजरे की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है, या कॉटन की खेती करनी पड़ेगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ टू handle the some kind of the nutrients of this kind of the land. ठीक है, तो that is called the crop shifting. तो यही चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में कही गई है कि हम लोगों को एक एडॉप्ट करना चाहिए MSP के हिसाब से, और क्रॉप शिफ्ट की जो फैसिलिटी है उसको भी हमें फैसिलिटेट करना चाहिए. ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द क्रॉप शिफ्टिंग फैसिलिटेशन. ठीक है, अभी बात करते हैं MSP के बारे में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MSP का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, इट इज़ अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आइए देखते हैं. ठीक है, तो MSP इट इज़ कॉल्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ द मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, फॉर सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एट विच द प्रोडक्ट वुड डायरेक्टली बी बॉट फ्रॉम द फार्मर्स इफ द ओपन मार्केट प्राइसेस आर लेस देन इट गोज एंक्योर. तो गवर्नमेंट के द्वारा एक मिनिमम प्राइस को सेट किया जाता है और उसी प्राइसेस के ऊपर से आदान प्रदान चलता है. तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है. और साथ ही साथ उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है MSP का, वो एक्चुअली क्या है, टू सपोर्ट द फार्मर्स फॉर डिस्ट्रेस सेल्स. ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम लोग जो एग्रीकल्चर यार्ड होता है, अगर वहां पर हम लोग अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बेचने जाते हैं तो वहां पर सेल्स अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, या सेल्स होता है तो मुनाफा नहीं मिल पाता फार्मर्स को. उसकी वजह से उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी निकल नहीं पाता है. ठीक है, तो उसी की वजह से है MSP. ये चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखें. तो फार्मर को सपोर्ट करने के लिए और उसको डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए ये MSP निकाला जाता है, एंड टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फूड ग्रेन्स की मात्रा जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन निकले, उसके लिए MSP यहाँ पर तय किया जाता है. ठीक है, तो इस न्यूज़ में यही है. तो यहाँ पर आप सिर्फ उसको याद रख सकते, दैट इज नॉट ओनली, दैट इज नॉट मोस्टली इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट अस मूव फॉर द फर्दर न्यूज. अभी आगे यहाँ पर कुछ नहीं है जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से इम्पोर्टेंट रहे. ठीक है,
फिर भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि द लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेचर पावर टू सस्पेंड अ मेंबर, ये भी एक आप याद रख सकते हैं कि भाई लेजिस्लेचर पावर के हिसाब से उसको सस्पेंडेंशन मेंबर को जारी किया जाता है, ठीक है। बाकी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा आज चीज़ें आ गई और आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल बेस ही न्यूज़ थे, तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को सर्वे क्या है और क्या नहीं है, बजट क्या है क्या नहीं है, कौन प्लेस करता है कौन प्रिपेयर करता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन। बिफोर आई वांट टू कंप्लीट माय सेशन आई वांट टू डिस्कस दैट इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द एमबीए एंट्रेंस, टीस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट बैंक एग्जामिनेशन, बीबीए एग्जामिनेशन, होटल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन, एड एग्जामिनेशन, एसएससीएल एग्जामिनेशन, so don't worry, Manevar Education is here, and the if you are interested for this kind of the program, the link is also available in the description, and the Google form link is also available in the description, where you can fill the form as per your requirement, where our counseling team will contact you and will guide you. And if you are the new family member of the Manevar Education, so please subscribe our channel in the YouTube section. And we have also social media platform where you can get the regular updates. If you are looking for the online and live classroom coaching, so just call on 8828581455. Our counseling team will contact you and will guide you. If you are looking for the classroom coaching at the Mumbai, so we have a 3 centers over here, Borivali, Vasai and the Dadar. So you can visit the center also, and you can visit our website also. So that's it for the today's session. So before we complete the session, I want to tell about that ki आपका जो स्टैटिक जीके है और जो करंट अफेयर्स है उसके साथ ही आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। इफ़ यू लाइक दिस टुडे सेशन, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा। सो थैंक यू एंड जय हिंद, गुड बाय, बाय।